चित्रात के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए, मलाकंड डिवीजन के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए और खासकर सेंट्रल एशिया तक के लिए ये यूनिवर्सिटी रीजनल यूनिवर्सिटी तौर पर यकीनन एक वक्त एक तरक्की पालेगा। तो उन हालात को देखते हुए हमने चित्रात यूनिवर्सिटी तामीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने खुद पीटीआई के साबिका हुकूमत में उसके लिए जमीन दिया गया था, कोई तकरीबन 200 किराए जमीन सैदाबाद के मुकाम पर, जिसके कोई 5 साल हो गए। उसमें हम इन्वॉल्व नहीं थे, जमीन लेने में, जगह की तरतीब में, उसके फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने में गवर्नमेंट के अपने जिम्मेदार लोग जज के सर्वे वालों ने उसको फिजिबल करार दिया। तब जाके 9 करोड़ रुपए में एक ऐसी जगह पे जमीन दी गई जो पूरे जिला चित्राल के लिए, खासकर लोअर चित्राल के लिए बिल्कुल मरकजी जगह है। तो उस जगह के को होने के बावजूद बाद में कुछ पैसे भी मरकजी हुकूमत ने रिलीज किए 2016-2015 में 2 अरब 50 करोड़ रुपए, जिसके रिकॉर्ड मौजूद है, यूनिवर्सिटी के अपने रिकॉर्ड मौजूद है। इसके बाद वो फंड लेप किया गया और वहाँ पे यूनिवर्सिटी की तामीर का आगाज नहीं, जमीन की मौजूदगी के बावजूद, फंड के मौजूदगी के बावजूद उस यूनिवर्सिटी के तामीर का काम शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से 5 साल तक चित्रात में जो MMA की दौर में बनाई गई इमारत जो चित्रात के नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए, आज से 15 साल पहले बनाया गया था हुनर स्किल डेवलपमेंट सेंटर, उस सेंटर की इमारत तैयार थी। अभी उसमें तलबा जाके दाखिला लेने को टाइम आ गया था कि चित्रा यूनिवर्सिटी को या जा करके चित्रात में बेनजीर यूनिवर्सिटी और अब्दुल अली खान यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस मौजूद थे, काम कर रहे थे दाखिला वाला जिनके श्रीनगर यूनिवर्सिटी के साथ और मलकन यूनिवर्सिटी के साथ उनकी एफिलिएशन थी और अब्दुल अली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के साथ एफिलिएशन थी, कैंपस थे वो। मगर पीटीआई की गवर्नमेंट जब आई तो इमरान खान साहब चित्राल के दौरे में आकर उन दोनों यूनिवर्सिटी को यकजा करके चित्राल का नाम देकर चित्राल के एलवी इदारे को सियासी नाम से मुबारक कर दिया, जिसके लिए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी उस फैसले की हम अप्रिशिएट करते हैं। पूरे चित्राल के लोग इस बात पर खुश हैं कि एक इदारा सियासी नाम या किसी अपराधी नाम के बजाय पूरे चित्राल के नाम पर तालीम जिंदा किया गया। तालीमी इदारा सबके लिए होता है, उसको सियासत के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं था और चित्राल यूनिवर्सिटी के नाम के लिए हम चित्राल पीटीआई के गवर्नमेंट के फैसले की तायद करते हुए हम ये उम्मीद रखते थे कि इंशाल्लाह ताला जमीन भी ली गई, नाम भी एक किया गया पीटीआई की पिछली गवर्नमेंट में, और हम चाहते थे कि मुमकिन है अभी शुरू हो जाएगा, अभी इमारत शुरू हो जाएगी, मगर पैसे लेट करते इमारत आज तक उसकी एक ईंट नहीं रखी गई। और आज जाके फिर जमीन लेने के, जमीन की मौजूदगी के बावजूद फिर दोबारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 90 करोड़ का कोई इस तरह का बजट मांग के जमीन लेने के लिए इस जगह को मुतनाज़ बनाया गया है, जो चित्राल के लिए लोअर चित्राल का गर्म चश्मे से लेकर सैदाबाद, अरंदू से लेकर सैदाबाद, ज़ियारत पोस्ट से लेकर सैदाबाद, मदरगंज से लेकर सैदाबाद और इसी तरह तमाम भूगुरेत बेजिस के रंगूर से लेकर सैदाबाद, ये बिल्कुल मरकजी मुकाम है। बरेली से लेकर सैदाबाद तकरीबन एक कुदरती माहौल है, ये बिल्कुल चित्राल के लोअर चित्राल के सेंटर में सैदाबाद एक खुला इलाका, जो कोई 3-4 हजार के नाम जमीन का खुला इलाका है जिसमें कोई आबादी नहीं है। अभी अभी होटल मोटल डेवलप हो रहे हैं और जिसमें एक स्टेडियम सुबाई हुकूमत ने क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया हुआ है, फुटबॉल स्टेडियम उसके करीब है, मेन रोड पर है, रेत बाजरी और खाका जितने भी है और तरकोट प्लांट वहां लगा हुआ है, उस पर मार्बल की फैक्ट्री लगी हुई है और पेशावर के पाकिस्तान के जिस जगह से भी माल आ जाए और मेन रोड पर उतारना आसान है। सिंगस के मुकाम पर इस इमारत को ले जाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से कोई 5 साल तक यूनिवर्सिटी की इमारत नहीं हो सकी। हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है ना वो अब तक बंद रहा, चित्रा के कोई हर साल अगर हुनरमंद निकलते तो अब हजारों लोग चित्रा के नौजवान जो मेट्रिकुलेट एफ है, गरीब लोग के बच्चे आगे तालीम हासिल नहीं कर सकते, वो हुनर हासिल करके चित्रा से एक बेरोजगार बाइज्जत रोजगार उनको मिल जाता, उसको बंद करके अपना इस तरह जो 6 साल में एक इंच तक इस जगह पर नहीं रखा गया। सिंदश में लोग जमीन देने से इंकारी हैं। बड़ी बात यह है कि सिंदश चित्राल को पता है कोई 14,850 मुरब्बा किलोमीटर है, चित्राल का मुरब्बा 2 जिलों पर मुश्तमिल है और उसमें सिर्फ 1200 मुरब्बा किलोमीटर जरी जमीन है, बाकी सब पहाड़ और जंगलात और चरागाह और बियाबान है। और 1000 में सिंदश के लोग बड़े गरीब महदूद जमीनों के मालिक है, उन बेचारों को भी जबरदस्ती सिंदश के लोग भी अपनी जमीन नहीं देना चाहते और है भी वो एक साइड पे चित्राल टाउन से कोई 4-7 किलोमीटर गर्मचे की तरफ जाके एक तंग वादी में एक जगह है जहाँ पे पहले से क्राउड है, वहाँ पे आबादी ज्यादा है, जमीनात कम है, माहौल तो
तबाह करके एक कोने में ले जाके एक तारीखी इलमी इदारे को तबाह किया जा रहा है। एक साजिश हो रही है, अभी फैसला नहीं हुआ, अभी नई जमीन नहीं दी गई, पैसे उसके लिए सूबाई हुकूमत से मंजूर करने की कोशिश की जा रही है, 90 करोड़ रुपए बातें चल रही है कि 90 करोड़ रुपए जमीन खरीदने के लिए सूबाई हुकूमत दे रही है। हम ये दरख्वास्त करते हैं शुक्रिया के साथ कि 90 करोड़ रुपया सूबाई हुकूमत दे, मगर सईदाबाद में यूनिवर्सिटी की तामीर शुरू करें। जमीन मौजूद है तो दूसरे लोगों को डिसलोकेट करके उनके घर बर्बाद करके सिंदश के जरिए जमीनों को तबाह करके एक कोने में ले जाके बनाने के बजाय चिचार यूनिवर्सिटी को सैदाबाद के माकूल तरीन मुकाम पर तामीर की जाए। इस प्रेस यह है और इस पर ताखिर के असबाब की तहकीकत की जाए, इसके लिए इसी में सब लिखा हुआ है। मैं काबिल एहतराम एमएलए साहब की क़यादत में ट्रस्ट का और ये पूरे चित्राल का इंतहाई मौसर तरीन आवाज है पूरे 4 लाख की आबादी का। इसमें मैं आपको ये भी बता दूँ कि अपर चित्राल जिला जो है उस जिले के नुमाइंदे की जो खुर्शीद साहब कर रहे हैं, दूसरे यहाँ पे तेजवी साहब मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, पूरे चित्राल के का नुमाइंदा वकील है, पूरे चित्राल के जेंट कमीशन ग्रैंड सेटलमेंट का केस भी ये कर रहे हैं, इनके पास मुख्तारनामा है। पूरे चित्राल की नुमाइंदगी करते हुए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने अदालत ही मसूफियात छोड़ के इस मौके पर आए ताकि चित्राल की यूनिवर्सिटी के तारीख को बनाया जाए। तो इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरे चित्राल की आवाज़ समझ कर इसको हाईलाइट किया जाए। इसकी सुर्खियाँ मैंने एक एक करके आपको दी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा थीम इसमें लिखकर आपके हाथ में है। अब मैं काबिल एहतराम मोहतरम तेजवी साहब से दरख्वास्त करूँ एडवोकेट साहब से ये अपने ख्याल के हिसाब से एहतराम साफ़ भाई इनायतुल्ला साहब तो इनकी इस तहरीक के बानी मुबानी भी हैं और दिलचस्पी भी रखते हैं, तो इसने जो बातें की हैं हम इनसे इत्तेफाक रखते हैं। और इस सिलसिले में मैंने वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब को भी दरख्वास्त दी है, मैंने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी हैं इनको भी मैंने दरख्वास्त दी है कि यूनिवर्सिटी जो है वो सैदाबाद में जो पहले से जो जगह 166 किनार जमीन दी गई है और 40 किनार में वहाँ स्टेडियम बना है और वो भी यूनिवर्सिटी के काम आएगा, तो बच्चों के लिए तफरी का भी मकाम वहाँ है और फिर आबादी से काफ़ी दूर भी है और तमाम लोअर चित्राल के तमाम देहात के लिए ये बिल्कुल दरमियान में वाक़ है, तो मेन रोड पे है, आने जाने में भी कोई अधूरे हज़ारों तलबा जो है वो अपने घरों को भी जाएंगे और यहाँ यूनिवर्सिटी से इस्तिफादा भी करेंगे। तो इस सिलसिले में जो सवाल आप करेंगे इंशाल्लाह जवाब दे देंगे। शुक्रिया, अल्लाह का शुक्रिया।